हेलो गाइस, मेरा नाम रजत है और आप देख रहे हैं राइड विद बाइक। दोस्तों, हर एक छोटे बाइकर या राइडर का सपना होता है कि उसके पास एक अच्छा सा एडवेंचर टूरिंग बाइक हो। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मुझे एक बेस्ट एडवेंचर टूरिंग बाइक बताओ, तो आप होंडा अफ्रीका ट्विन 1100 का नाम लोगे। अगर कोई पूछे इससे भी बेस्ट एक एडवेंचर टूरिंग बाइक बताओ, तो आप नाम लोगे BMW R1250 GS एडवेंचर का। जी दोस्तों, एडवेंचर में एक नेक्स्ट लेवल का नाम बनाने वाली बाइक का नाम है BMW R1250 GS एडवेंचर, जिसका प्राइस 22 लाख से ज़्यादा का है। और हर एक लड़के का ये ड्रीम होता है कि उसके पास भी ये बाइक हो, बट ये ज़्यादा कॉस्टली होने के कारण ये सब कोई नहीं ले पाते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, BMW R1250 GS एडवेंचर का बेटा मार्केट में आ गया है। मैं बेटा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1250 GS एडवेंचर एक बड़े सीसी की बाइक है। तो अगर आपको सेम चीज़ छोटे सीसी का बाइक में मिल रहा है, इसलिए मैं इसको बेटा बोल रहा हूँ। इंडिया में BMW की एक न्यू बाइक लॉन्च हुई है जिसका नाम BMW G310 GS है, जिसमें आपको 1250 GS वाले बाइक का ही लुक मिलने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा इस बाइक के सारे डिटेल्स, प्राइस, माइलेज, A to Z सारा चीज़ आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस बाइक के इंजन से। इस बाइक में आपको 313 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 बेयर वाटर कूल DOCSI इंजन देखने को मिलेगा। और पावर प्रोड्यूसिंग की बात करें तो इस बाइक में आपको 9500 RPM पे 34 PS का पावर मिल जाएगा और 7500 RPM पे 28 Nm का टॉर्क जनरेट करती है बाइक। पेट्रोल टैंक की बात करें तो 11 लीटर का पेट्रोल टैंक आपको इस बाइक में दिया गया है, 1 लीटर आपका रिजर्व में रहेगा। इस बाइक में आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिलेगा। फ्रंट में 300mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा, रियर में 240mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा। इसमें आप अपने हिसाब से ABS को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, क्योंकि इस बाइक में आपको ABS का एक स्विच भी मिलेगा जिसको आप अपने हिसाब से जब चाहे तब ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। इस बाइक में आपको स्लीपर क्लच भी देखने को मिल जाएगा। आप बात कर लेते हैं इसके हेडलाइट की, तो आपको इसके हेडलाइट में फुल्ली LED हेडलाइट देखने को मिलेगा। हेडलाइट, टेल लाइट और इंडिकेटर, ये सारे चीज़ आपको LED में ही देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी पावरफुल ब्राइटनेस आपको देने वाली है। और अब बात कर लेते हैं सस्पेंशन की, तो इसके फ्रंट में आपको USD सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा, जो कि 41mm का है, जो कि काफ़ी हार्ड, काफ़ी प्रीमियम होने वाला, काफ़ी मजबूत होने वाला है। और रियर की बात करें तो रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा विद ड्यूल स्विंग आर्म्स के साथ। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस बाइक के टायर साइजेस की, तो आपको इस बाइक के फ्रंट में 110x80 R19 के टायर फ्रंट में देखने को मिल जाएगा और रियर में 150x70 R17 के ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है। और इसके व्हील्स आपको कास्ट एल्युमिनियम में देखने को मिल जाएगा। इस बाइक में आपको टॉप रैक माउंट भी मिल जाता है, जो कि आप कभी भी अपने टॉप बॉक्स को माउंट और अनमाउंट भी कर सकते हो। और साथ में आपको इसमें मोबाइल होल्डर माउंट भी मिल जाता है। और अगर टॉप स्पीड की बात की जाए तो इस बाइक में आपको 150 प्लस का टॉप स्पीड मिल जाएगा। माइलेज की बात की जाए तो माइलेज आपको इसमें 30 km/L का माइलेज मिल जाएगा। बाइक का कार्गो वेट 169.5 kg है और ओवरऑल लेंथ 2075 mm है, हाइट 1230 mm है, व्हील बेस 1420 mm है और सीट हाइट 835 mm दिया गया है इस बाइक में, जो कि एक स्प्लिट सीट के साथ आता है। कंसोल में आपको सारे इन्फॉर्मेशन डिजिटली देखने को मिल जाएगा। आपको स्पीडोमीटर, टेक्नोमीटर, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, क्लॉक, मतलब A to Z फुल इन्फॉर्मेशन आप डिजिटली देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मेन एंड लास्ट पॉइंट के बारे में कि इस बाइक का प्राइस क्या होने वाला। तो दोस्तों, BMW G310 GS का एक्स शोरूम प्राइस 2.85 लाख होने वाला है। और दोस्तों, साथ ही साथ आप लोगों को बता दूँ, इस बाइक का 3 कलर वेरियंट अवेलेबल है। और अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस बाइक के कलर के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप उस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड विद बाइक।